गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड एमर्जिंग लीग अंडर 19 2020 अंडर द गाइडेंस ऑफ अजमान क्रिकेट काउंसिल एंड स्पेशल थैंक्स टू द पेरेंट्स कोचेस एंड स्पेशल थैंक्स टू द एम्पायर्स एज वेल एंड आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर शहजाद सर टू प्लीज़ कम ऑन द डायस टू स्टार्ट विथ विल have the first award of the evening. It's for man of the match and it goes to Vasish Shah for his brilliant knock. Well done, Vasish, and the best bowler of the tournament goes to Sean. Why so surprised? The next award is for the best fielder and it goes to Dhanuka. The best batsman of the tournament, any guess? One man army, it's Vasish Shah. Haider Vasish Shah. And the next award, this is a big one and it's for the player of the tournament and it goes to Hamad Arshad. दोनों ही टीम काफ़ी बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन किया आज और रनर अप कहूँगा अनलकी अजमान वॉरियर्स के कप्तान फराज प्लीज़ आप यहाँ पे आए और ट्रॉफी ले फराज कम फराज अनलकी काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला 18 ओवर्स 100 for 2 लेकिन वहाँ से 150 ऑल आउट तो कहाँ पे गड़बड़ हुई यहाँ पे First of all, sir, I would like to thank everybody, especially Shiraz bhai, to give this opportunity to us. I think that we lost an early wickets, two early wickets, and then after that, me and Emma tried to put the score to a decent target, but we lost a lot of wickets. I think the batting didn't click. I think if that had done well, I think we would have got into a decent target. और टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताएं क्योंकि शहजाद सर माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से अच्छे टूर्नामेंट्स करा रहे हैं और आप लोग भी काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं कितना डिफरेंट है अदर टूर्नामेंट्स से ये अंडर 19 के टूर्नामेंट्स जब से मैं 8 साल का था मैं शहजाद सर के टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ बट आई थिंक शहजाद सर के टूर्नामेंट्स में एक इट्स लिटिल डिफरेंट यू सी दैट अलग इस दूसरे टूर्नामेंट्स में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता प्लेयर्स को लाइक तो इधर सब लोग दे गेट द टाइम टू लाइक showcase their talents so I think that's the difference chale all the best for your upcoming matches and for the tournaments you, well done boy idhar bulana hai so the winners of this tournament Ajman Kings aur captain Hamdan please aap yahan pe aur trophy le yahan pe मुस्कुराता हुआ चेहरा हमदान यहाँ पे हमारे साथ है हमदान ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट था वहाँ पे लेकिन बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की हसन खालिद और आर्यन लाकरा ने वन साइडेड तो नहीं कह सकते थे क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा कम बैक किया यहाँ पर जी यही था कि टॉस तो हार गए थे पर यही कोशिश थी कि जितना कम में उनको रेस्ट करें तो उतना अच्छा होगा कि उनका एक ही बैट्समैन था तो यही था कि जैसे अहमद आउट हो जाए तो हम लोग कवर अप कर लेंगे और लड़कों ने भी काफ़ी अच्छी कम बैक की बॉलिंग में
तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पूरे टूर्नामेंट, सबने लड़कों ने अच्छा किया था। और जो लवप्रीत ने कैच लिया था मेरे ख्याल से उसने मैच चेंज किया है। और हमदान, बात करते हैं आपकी टीम के बारे में, माशाल्लाह से एक से बढ़ के काफ़ी अच्छे होनहार खिलाड़ी है, तो कितना ईजी होता है कप्तान के लिए जब ऐसे आपके पास खिलाड़ी होते हैं? ये सबसे हार्ड यही होता है कि इतने सारे अच्छे प्लेयर हैं तो इजी नहीं लेना होता, फिर भी तो कोशिश ये होती है जितने अच्छे प्लेयर हैं फिर भी हम लोग सब अपना 100% दें। तो लड़के बहुत हैं, मतलब बॉलर्स इतने, बैट्समैन इतने, तो कवर कर सकते हैं, ये एक है, प्रेशर रिलीज़ हो जाती है। और शहजाद सर के टूर्नामेंट्स के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादातर हम उम्र अंडर 19 के लड़के दिखते हैं, युवा लड़के हैं यहाँ पे, तो कितना एंजॉय करते हैं आप ये टूर्नामेंट? जी बिल्कुल, मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतने अच्छे ग्राउंड्स, हमें अंडर लाइट्स वगैरह, हम सब खेलते हैं इतने अच्छे पिच में खेलते हैं, ऊपर से लड़कों को भी प्रॉपर यहाँ चांस मिलते हैं, जो रूल्स हैं टूर्नामेंट के रूल्स, तो इसमें मतलब जितने भी लड़के हैं सबको चांस मिलता है। चले माशाल्लाह, वेल डन हमदान, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टूर्नामेंट्स एंड मैचेस। और ये थे एमर्जिंग लीग अंडर 19 2020 के चैम्पियंस अजमान किंग्स। मैं आपसे यहाँ से अलविदा चाहूँगा MCC2 अजमान से, थैंक यू। थैंक यू जो बच्चे वो सारे स्नान भरो, दोनों लोग कोरोना वायरस। 3 2 1 ओके जी, वेट अब।